रायबरेली जिले के सिवगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत पूरे अच्छे ही मानपुर गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब पता चला कि 28 वर्षीय रेलू पत्नी अर्जुन ने फांसी लगा ली। लड़की के पिता राम नरेश का कहना है कि बीती शाम रेनू की सास ने फ़ोन करके बताया कि अपनी लड़की को ले जाओ यहाँ से। वहीं दूसरे दिन सुबह 7 बजे फ़ोन आया कि आपकी लड़की से झगड़ा हुआ है, आप लोग आ जाइए। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो देखा कि लड़की फांसी के फंदे से लटकी हुई है, लेकिन जब नीचे उतार कर देखा तो मृतक लड़की के सर पर चोट के निशान थे और शरीर में डंडे से मारने के भी निशान मिले हैं। लड़की के पिता ने मार पीट कर फांसी के फंदे पर लटकाने का आरोप लगाते हुए सास ससुर व पति को नामजद मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी। देखिए हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी की रिपोर्ट। कहाँ घर है आपका? वहीं कहाँ? रानीपुर डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी है? अमेठी है। तो क्या घटना हुई है यहाँ? क्या घटना हुई है? घटना साहब एक खबड़ी दिखा दिया, फूट गया है जी, बड़ी फूट जो की दागन काटे हैं जी, है और मार करके वो फांसी लगा है कि फांसी मर गया है जी। हाँ तो आपको इन पर शंका है? शंका नहीं, तो खबड़ी आप देख लीजिए, शंका है कि नहीं? पहले जी 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 पहले तुम देख लो। क्या नाम है आपका? राम नरेश। यहाँ एक घटना हुई फांसी की, वो कैसे क्या हुई और कौन है आपकी? वो हमारी लड़की है। लड़की है? हाँ। तो कब सूचना मिली आपको? हमको सुबह मिली। सुबह मिली 7 बजे। तो आपने देखा, वो क्या लगता है? वो मारे पीटे हैं, सब खून खच्चड़ सब भा है, सब चोट लग गया, खोपड़ी फाटी है। मतलब आपको लगता है कि मार के इनको टांग दिया गया है? हाँ, मार के टांग दिया गया। तो कोई झगड़ा वगैरह इससे पहले हुआ था? नहीं, हम नहीं जानते। हमको कल सूचना शाम को मिली थी। कल क्या सूचना मिली थी आपको? बोले कि हमको ले जाओ अपनी लड़की को। अपनी लड़की को यहाँ से ले जाओ? हाँ। उसके आपने क्या एक्शन लिया? हमारे साथ फिर बातें नहीं किया, फोन काट दिया। इन्होंने फोन काट दिया? हाँ। तो आपको शंका है कि इन्होंने जो है इस लड़की को मार के हाँ। और टांग दिया है? किस आधार पे कह सकते हैं? केवल चोट पे और कुछ शंका? सुन ले जी जी जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नाम नहीं था, पहले बाबा सुन ले तू जी। माँ फोटो खींचे सब, पहले उसके शरीर का फोटो खींचा, खोपड़ी फोड़ के, उसके हाथ वोट तोड़ के मर गया, जगह फांसी लगाए।